आप देख रहे हैं वेबटेक स्कूल यूट्यूब चैनल और आज हम आपको बताएंगे कि एमएक्स प्लेयर में ऑनलाइन वीडियो कैसे चलाते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह कैसे वर्क करता है और इसके बाद हम आपको उसको एमएक्स प्लेयर के नए वर्ज़न को डाउनलोड करना बतलाएंगे और वहां से आप एमएक्स प्लेयर बीटा वर्ज़न है जो कि आप यहाँ से चला पाओगे ऑनलाइन वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको दिखला देते हैं काम कैसे करता है। आपका जैसा है पहले वैसा ही रहेगा, जैसा कि आप पहले ओपन करते थे एमएक्स प्लेयर को तो इस प्रकार से आता था वीडियो। और यहाँ पर आप अगर वीडियो सेटिंग से ऑफ मतलब सेटिंग से ऑन करते थे वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए तो वीडियो भी आता था। तो यहाँ पर जो आता था वो तो आएगा ही, लेकिन इसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड किया गया है, इधर लोकल नीचे की तरफ लोकल और ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है और ये देखो यहाँ से आप ऑनलाइन वीडियो चला सकते हो। देखो यस, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके हम ऑनलाइन वीडियो चला सकते हैं। फिलहाल मैं अभी नहीं चलाऊंगा, आप चला के देख लो। ये देखो, नहीं तो मैं चला के दिखाता हूँ। देखो वीडियो एक्टिवेट हो गया। तो इस प्रकार से तुम चला सकते हो। और इसको डाउनलोड कहाँ करना है, यहाँ प्ले स्टोर ओपन कर लो और एमएक्स प्लेयर बीटा लिखो। एमएक्स प्लेयर बीटा लिखने पर यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का एप्लीकेशन आ जाएगा, जो इसका लोगो देख सकते हो। इसमें मैक्स प्लेयर में एक बीटा बी का साइन लगा हुआ है। तो इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको जब ओपन करोगे तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन एमएक्स प्लेयर में वीडियो चला सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ प्रश्न हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।